हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, बहुत ही भयंकर तरीके से गिरावट इसमें देखने को मिली है। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 9 से 10% आज का ये शेयर मदरसन सूमी का शेयर टूट चुका है, जिसका रीजन है कि नतीजे इसके आ चुके हैं और नतीजे जो एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे कि उतने अच्छे नहीं आएंगे। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर कंपनियों के जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, बुरे ही आए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इसके जो नतीजे हैं वो भी उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और हुआ बिल्कुल वैसा ही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो मदरसन सूमी में है उसके नतीजे कैसे आए हैं और आने वाले दिनों में उसमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तो और, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा है, वहां से आप इजिली अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 97 रुपीज के ऊपर मदरसन सुमी का शेयर ट्रेड कर रहा है, आज 10 रुपए डाउन है। हम इसको 9.5% तक की गिरावट हम कह सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी से, पिछले काफी दिनों से इसमें गिरावट चल रही है। पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 2.41% की गिरावट है। देखिए, ग्रोथ आया था, एक गिरावट आई थी, शेयर 91 रुपीज तक धस गया था, उसके बाद ऐसी तेजी आई थी कि शेयर 105 रुपए तक ही गया था, और ये बहुत ज्यादा दूर की बात है, 107 रुपए तक गया था, पिछले हफ्ते की ही बात है। लेकिन अब वापस से उतनी ही बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो तकरीबन 18% की हम गिरावट कह सकते हैं। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिली है, थोड़ी बहुत तेजी आ जाती थी, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा भयंकर तरीके से गिरावट भी हमें देखने को जरूर मिली है। यहाँ पर 118 रुपए तक का यहाँ पर हाई भी बना है। एक साल की बात करेंगे तो 50% तक शेयर टूट चुका है, 209 रुपए के आसपास का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई बना था, और 97 तक का आज लो बना है, मतलब शेयर आधा हो चुका है, आधा हो चुका है ये शेयर। 3 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में मदरसन सूमी में 31% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। 261 रुपीज तक का हाई था, और ये हाई बना था 2018 के पहले महीने में, 2018 के पहले महीने में यहाँ पर ये हाई बनता हुआ हमें देखने को मिला था। उसके बाद 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में इसमें गिरावट बनी हुई है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की ये जो गिरावट है वो भी इतने ही वक्त से चलती हुई देखने को मिल रही है। और आप देखिए, 3 साल का पूरा रिटर्न ये खा चुका है। इस बीच 3 साल का सबसे बड़ा लो 97 रुपीज भी बना है। 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 साल में 806% तक का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। इस बीच 10 रुपए तक का यहाँ पर लो बना है और 261 रुपीज तक का हाई भी बना है। लेकिन अभी जो जो यहाँ पर लो बना है 97 रुपीज का, तो वो 97 रुपीज का लो अगर हम बात करें तो 2014 में बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद अब बना है। इससे पहले भी गिरावट आई थी लेकिन शेयर 100 रुपए से नीचे नहीं गया था। इससे पहले भी गिरावट आई थी, तब शेयर 100 रुपए से नीचे नहीं गया था। एक बार हाँ 98 रुपीज तक गया था 2016 में, लेकिन उसके बाद वापस से उसने ऐसा बाउंस बैक मारा था कि शेयर वापस से 250 रुपए क्रॉस कर गया था। यहाँ पर बात करें, देखिए 30,700 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास का हमें यहाँ पर इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। नतीजे इसके आ चुके हैं, जून क्वार्टर के नतीजे आए हैं और नतीजे उतने अच्छे नहीं है। नेट सेल्स में हालांकि उतने बुरे नहीं है, नेट सेल्स हालांकि 16,560 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में मार्च में 16,921 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल था। तो मतलब 2% की ही गिरावट है, और पिछले साल में अगर हम देखें तो 14,560 करोड़ का था, तो मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में नेट सेल्स काफी अच्छे हम मान सकते हैं। लेकिन जो दिक्कत बनी हुई है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा दिक्कत बनी हुई है। जून 2018 में 440 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2019 में ये 410 करोड़ तक सिमट के रह गया, मतलब बहुत ही बड़ी गिरावट आई। लेकिन अब उससे भी बड़ी गिरावट आई है इनके नेट प्रॉफिट में, जून 2019 में 331 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला है। इसका मतलब बहुत ज्यादा गिरावट है, 19 से 20% तक की गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है। तो यही एक रीजन है कि शेयर्स में इतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इनका गिर रहा है। जब तक कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तब तक आपको भी पैसा कहां से वो कमा कर देगी। तो
तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है और यही वजह है कि ये शेयर भी गिर रहा है। हाँ, लेकिन जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो दिक्कतें ख़त्म होगी तब डेफिनेटली हमें एक अच्छी ग्रोथ है इसमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर्स के पास 33.96% की होल्डिंग है, FIIs के पास 16.36% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.86% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.21% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 10.85% की होल्डिंग है और अदर DIIs के पास 28.76% की होल्डिंग। देखिए, प्रमोटर्स के द्वारा शेयर थोड़ी बहुत गिरवी भी है, 8.28% की एक बड़ी होल्डिंग इनके द्वारा गिरवी रखी गई है, 20 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 464 FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है जिनके पास 33.43% की होल्डिंग है, ICICI प्रोडेंशियल जिनके पास 3.91% की होल्डिंग है, वो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.45% देखने को मिले, डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहे हैं ये लोग, 150% का डिविडेंड पे कर रहे हैं, मतलब पर शेयर आपको 1.5 रुपये मिल रहे हैं और इसी महीने इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। मदरसन सुमी की अगर बारे में बात करें तो 74% यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन है, 22% सेलिंग रिकमेंडेशन है, 4% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। पी की बात करेंगे तो अच्छे पी पर ट्रेड है, कम है, 19.03 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 42.24 है, बुक वैल्यू 42.32 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.30 की है, EPS 5.11 है और डिलीवरीज 57 के आसपास हमें देखने को मिली है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि नतीजे अभी आए हैं, 14 अगस्त के बीच में बुक क्लोजर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो नतीजे भी इस बीच हम मिलते हुए सबको दिखाई भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो कर्जा है इनके ऊपर 1,133 करोड़ के आसपास का कर्जा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में तकरीबन 7,572 करोड़ से भी ज़्यादा के टोटल असेट्स इनके पास है यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, देखिए म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, करोड़ों में म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल हो, SBI हो या एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी हो, तो काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टेड है। और तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या मदरसन सुमी में और फर्दर गिरावट आ सकती है या नहीं है, यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिख रहा था 100 रुपये के करीब, उसने ये सपोर्ट को तोड़ा है और तोड़ने के बाद एक न्यूज़ है कि नतीजे जो है वो उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो हाल फिलहाल में इसमें गिरावट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर हाल फिलहाल में देखिए ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भयंकर तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बड़े बड़े दिग्गज ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी गिरे पड़े हैं। और हाल फिलहाल में जैसे कि देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोगों की नौकरियां भी जा रही है, 31% तक डाउन है ऑटोमोबाइल सेक्टर जून के महीने में, सॉरी जुलाई के महीने में 31% तक ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन था। तो नेक्स्ट क्वार्टर के जब नतीजे भी आएंगे तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे आ जाएंगे, हो सकता है कि वो भी एवरेज आए। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये जो गिरावट है वो एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तक मुझे लग रहा है कि शायद चल सकती है, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी और फिर ऐसी तेजी आएगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि शेयर्स को पकड़ना मुश्किल होगा। तो लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारी इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कम से कम प्राइस में शेयर को खरीदने की कोशिश करें। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अब जब गिरावट का दौर चल रहा है और जब नतीजे आए हैं कल के, खास करके जब कल के नतीजे आए, अगर नतीजे थोड़े बहुत भी पॉजिटिव आते या थोड़े और अच्छे बेटर आ गए होते तो शायद हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, लेकिन नतीजे उतने अच्छे नहीं आए एक्सपेक्टेशंस के, जैसे कि एक्सपेक्टेशन भी की जा रही थी कि अच्छे नहीं ही आने वाले हैं, तो नतीजे अच्छे नहीं आए और शेयर में आज गिरावट है, तो ये जो गिरावट है वो यहाँ से रुकने वाली नहीं है, शायद थोड़ी और फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि शायद कुछ दिन बाद थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी बहुत तेजी आ जाएगी, लेकिन थोड़े वक्त के बाद फिर से हमें गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि खरीदने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वेट कीजिए। हाल फिलहाल में पूरा मार्केट गिरा हुआ है और उसका इफेक्ट हमें मदरसन सुमी में भी देखने को मिल रहा है और तो और बाकी शहरों में भी देखने को मिल रहा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत तो और भी ज्यादा खराब चल ही रही है।
तो मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल में ज्यादा जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने के लिए, और कुछ दिन बाद अगर आप खरीदारी करें भी तो SIP मोड में करें, ज्यादा एक साथ ज्यादा पैसा बिल्कुल भी ना फंसाएं, और अच्छी कंपनी में खरीदारी करें, जैसे कि मदरसन तुम्हें अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट है, जब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी नहीं लौटती तब तक मैं यही कहूंगा कि शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो SIP मोड में खरीदारी करो या थोड़ा सा वेट कर लो तो ही बेहतर रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, अगर अगर आपको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो उसका डिसीजन पूरी तरीके से आप ही का होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मदरसन सुमी के बारे में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाल फिलहाल में जो क्राइसिस चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।